अलीगढ़ शहर में हर साल की तरह इस साल भी बैल पोला त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। पूर्व पुलिस पाटिल प्रशांत निलावा को इस वर्ष पोला पूजन का सम्मान दिया गया। उनके घर से विधिवत पूजा के पश्चात निकला पोले का जुलूस गाजे बाजे के साथ पोला मैदान पहुंचा, जिसमें स्थानीय तहसीलदार सुधाकर राठौर, दिग्रस पुलिस थाने के थानेदार सोलंके के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, पत्रकार और प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद थे। पोला मैदान पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। यहाँ शहर और परिसर के किसानों ने अपनी अपनी बैल जोड़ियों को सजा धजा कर पोले में शिरकत की थी। इस दौरान यहाँ भी पूर्व पुलिस पाटिल प्रशांत निलावार के हाथों पूजा संपन्न हुई। इस मौके पर परंपरा के अनुसार झड़ती के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक कटाक्ष भी किया गया। प्रशासनातील माझे सहकारी सोळंके साहेब पोलीस उपनिरीक्षक, सर्व गावातील शांतता समिती कमिटीचे सदस्य, सर्व नागरिक या ठिकाणावरून आपण सोबत जाऊ आणि आपल्या या राजांचा सण चांगल्या शेतकरी म्हणून जो राबोराब वर्षभर राबणारे जे राजा आहे त्या राजांचा सण म्हणून आपण चांगल्या तऱ्हेनं साजरा करू एवढी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। पहिला रे पहिला शिंदेचा पहिला, पहिला रे पहिला शिंदेचा पहिला, त्या बैलाला ओईडीची भीती, त्यामुळे त्याने गाठली जाऊन गुवाहाटी। गुवाहाटीला झाली ओ वाटाघाटी, वाटाघाटी होती फक्त सत्तेसाठी। राष्ट्रवादी सोबत उद्धव साहेबांना केली म्हणे अभद्र युती, आता अजित दादा बसले ओ यांच्या माती। आता कुठे गेली ओ अरविंद काका तुमची हिंदुत्वाची नीती, एक नंबर गौरा पार्वती आर बोला हर हर महादेव। कुल मिलाकर बच्चे बूढ़े और नौजवानों की खचाखच भीड़ से शहर का पोला मैदान भरा हुआ नजर आया। चारों तरफ पोला नामी इस त्योहार की खुशियां साफ झलक रही थी। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।